अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स ज्वाइन करें। आज हमने जो एनिमल डाइवर्सिटी 2 में बर्ड्स का जो टॉपिक है जिसमें हमने फ्लाइट लास्ट टाइम डिस्कस की थी, और आज हम फ्लाइट है और वो हमारा कंप्लीट हो गया, फ्लाइट डिस्कस नहीं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमने इसमें गैसियस एक्सचेंज है इसमें वो देखेंगे, और इसके साथ साथ टेम्परेचर रेगुलेशन। सब स्टूडेंट्स को वॉइस आ रही है क्लियर बच्चे? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आप लोगों का रमज़ान कैसा चल रहा है? इसमें हमने ये मैंने आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिया था, और आपने ये इसकी डायग्राम जो है ये देख लेनी है, क्योंकि हमारे पास जो इसोफिगस है, क्रॉप है और प्रोवेंडिक्यूलस है, ये इसकी डायग्राम आपने अच्छे से देख लेनी है। ये इंटेस्टाइन है और एट द एंड पे हमारे पास क्लोइका है, ठीक है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा मेरा भी बहुत अच्छा गुजर रहा है। चलें नेक्स्ट, इसमें हम अपने टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। हमारे पास जो बर्ड्स है, बर्ड्स का हमने जितना भी बायोडाटा है वो हमने इसमें डिस्कस कर लिया। इसमें रिप्रोडक्शन में और फर्टिलाइजेशन रह गई है, और इसके साथ साथ हमारे पास इनमें जो बर्ड में स्पेशलिटी होती है वो नेविगेशन की होती है, ठीक है। और नेविगेशन हमारा जो पार्ट है इसमें वो रहता है, और इसमें गैसियस एक्सचेंज है इसमें हम वो डिस्कस करते हैं कि मोस्टली हमारे पास जो गैसियस एक्सचेंज या सर्कुलेशन है या फिर टेम्परेचर रेगुलेशन है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के, हार्ट के बारे में ये कहते हैं कि एट्रिया और वेंट्रिकल जो होते हैं वो कम्प्लीटली तौर पर सेपरेटेड होते हैं, उनमें पार्टीशन होती है, वो पार्शली जो है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, ठीक है। आपने इस चीज़ को देख लेना है, ये हमारे पास मेन कैटेगरी आ जाती है। और इसके साथ साथ आप जब देखते हैं कि हमारे पास दोनों हार्ट के जो वेंट्रिकल्स हैं दोनों आपस में सेपरेटेड हैं एक दूसरे से, तो उसमें ऑक्सीजनेटेड जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे, ठीक है, वो मिक्स नहीं होंगे। और इसमें आपने जो इसमें नंबरिंग दी गई है कि हमारे पास जो लार्ज बर्ड्स हैं उनकी जो हार्ट्स रेट होते हैं वो स्लो होते हैं, इसके अलावा होगी है एक सेकेंड, चले मैं इस बच्चे अब आ गई है, अब उम्मीद है कि वीडियो भी पॉज नहीं होगी और साथ में वॉइस भी ब्रेक नहीं होगी, अब ठीक है, अब आ रही है। चले मैं इसमें आपको ये बात कर रही थी कि जो हमारे पास जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में जो हमारे पास बॉक्स आ जाता है, वॉइस बॉक्स है, उसको हम लेरिंग्स का नाम देते हैं, लेकिन जो हमारे पास नाम आता है इनका बर्ड्स का तो उसमें हमारे पास सेरिंग्स होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो वॉइस बॉक्सेस ऐसे हैं जो कि बर्ड्स में और ह्यूमंस में पाए जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास अदर जितने भी हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं तो उनमें मौजूद नहीं होते। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब नहीं जाएगी। नेक्स्ट इसमें क्या है कि ये जो सेरिंग्स है ये लोकेटेड होता है हमारे पास जहाँ पर ट्रेकिया जो है वो डिवाइड कर जाता है ब्रोंकाई में। इसमें हम देखते हैं कि जो ट्रेकिया है वो हमारे पास डिवाइड होगा ब्रोंकाई में, आई थिंक यहाँ पे डायग्राम भी होगी, अगर होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ, नहीं यहाँ पे डायग्राम नहीं है बच्चे, यहाँ पे डायग्राम नहीं है। तो इसमें आपने वो जो ह्यूमन स्ट्रक्चर पढ़ा है रेस्पिरेशन का, तो बेसिकली उसमें क्या होता है बच्चे, अब तो आ रही होगी जिन स्टूडेंट को वॉइस नहीं आ रही, सब स्टूडेंट्स को वॉइस नहीं आ रही,
ठीक है, हमारे पास जो ट्रैकिया है वो डिवाइड कर जाता है, चलें इसमें हमारे पास जो ट्रेकिया है वो डिवाइड कर जाएगा ब्रोंकाई में, और ठीक है ब्रोंकाई से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो जब हम ह्यूमंस में पढ़ते हैं तो हमारे पास मोस्टली जो एयर सैक्सेस हैं, ठीक है एयर सैक्स वो डेवलप होते हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास स्मॉल स्पेसेस होते हैं जिसमें कि एयर स्टोर हो जाती है, ठीक है। सेम इसी तरह से हमारे पास जो मसल्स हैं सेरिंग्स के और ब्रोंकाई के जो होते हैं वो बर्ड की वोकलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये जो आपको बर्ड की वॉइस है डिफरेंट टाइप्स की, कुछ आपको वॉइस ऐसी होती है जो आपको अच्छी लगती है और कुछ वॉइस ऐसी होती है जो आपको, बच्चे वीडियो अभी भी पॉज है, अब तो पॉज नहीं होना चाहिए, सिग्नल तो फुल आ रहे हैं। वीडियो और ऑडियो दोनों आ रहे हैं या नहीं आ रहे बच्चे? नेक्स्ट इसमें हमारे पास वोकलाइजेशन के बाद हमारे पास ये जो सिस्टम होता है, हमारे पास जो ब्रोंकाई होती हैं वो चेंज हो जाती हैं हमारे पास एयर सैक्स में, ठीक है। ये मोस्टली जो बोन्स पार्ट होता है स्केलेटल सिस्टम होता है ये उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एयर सैक्स और हमारे पास ब्रोंकाई जो होते हैं ये कनेक्ट करते हैं लंग्स के साथ, और लंग्स जो होते हैं बर्ड्स के वो स्मॉल ट्यूब्स होती एयर ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जिनको आप पैरा ब्रोंकाई का नाम देते हैं, आप इनको डायरेक्ट बर्ड्स का नाम नहीं देते। चलें ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इसमें हमारे पास एयर कैपलरीज होती हैं, ठीक है, जो कि एयर को ट्रांसफ़र करेंगी, वो कितने उनका डायामीटर हमारे पास होता है 10 माइक्रोमीटर जो है इनका डायामीटर होता है, और इसके अलावा ये एसोसिएटेड होती हैं हमारे पास कैपलरी बेड्स के साथ फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। एयर कैपलरी से जो है वो एयर पास होगी और जो कैपलरी बेड है वहाँ से जो है वो ब्लड पास होगा, इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो उनकी ट्रांसफरिंग होगी, उनका एक्सचेंज होगा, और इस तरह से ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, ठीक है। बच्चे आई थिंक अब इशू तो नहीं होना चाहिए, बाकी आप इसको अच्छे से देख लें। बाकी नेक्स्ट इसमें आपने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है वो हमने देखना है कि ओवरऑल अगर इंस्पायरेशन होगी तो एक्सपायरेशन होगी तो एट द एंड पे हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान में हमारे पास जो थोरेक्स का वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, और इसके साथ साथ ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन होती है, ठीक है, ईयर सैक्स की, और ये हमारे पास ड्यूरिंग फ्लाइट में भी, और इसके अलावा अदर हमारे पास एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल फीडिंग आ जाती है या फिर माइग्रेशन आ जाती है तो ये उसमें भी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रीथिंग, ये आपके पास कुछ पैसेजेस हैं इसमें, वो साइकिल वन और साइकिल टू है वो दिखाया गया कि ये आपके पास इंस्पायरेशन है और ये आपके पास जो है ये एक्सपायरेशन है, ठीक है। इंस्पायरेशन में क्या है कि ये आपके पास थोरेसिक सैक्स हैं, ठीक है, और ये आपके पास जो है ये एब्डोमिनल सैक्स हैं, और ये आपके पास पैराब्रोंकाई है, ठीक है। पैराब्रोंकाई वो हैं जिसको आप लंग्स भी कहते हैं। अब ये क्या है कि ये जो एरो का जो साइन है वो आउटवर्ड को है, इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेंड कर रहे हैं, और अगर ये एरो का साइज जो है ये इनवर्ड को है, ये आपको एक्सपायरेशन में नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपने मेन समझना है, इसमें आपके पास इंस्पायरेशन में थोरेसिक सैक्स हैं और साथ में एब्डोमिनल सैक हैं, ये दोनों आपके पास एक्सपेंड होंगे, ठीक है, इनका जो डायमीटर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और एक्सपायरेशन में जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसको आपने अच्छे से जो है वो देख लेना है। ये यहाँ पे आपके पास एयर जो है वो रश करेगी ब्रोंकस से, फिर ये एब्डोमिनल सैक्स की तरफ जाएगी और उसके बाद पैराब्रोंकाई की तरफ जाएगी, जिसको कि आप लंग्स का भी नाम देते हैं, ठीक है। और सेम इसी तरह से आपके पास ये जो पैराब्रोंकाई है वहाँ पे एयर एंटर होने के बाद, और एक्सपायरेशन में क्या होगा कि ये हमारे पास थोरेसिक सैक्स हैं, उनमें जो है ये आउटसाइड जो है वो मूव कर जाएगी, और एक्सपायरेशन में जो है वो हमारे पास ये ब्रोंकस के ज़रिए से बॉडी से बाहर लीव करेगी, ठीक है। तो ये आपने इनकी डायरेक्शन है ये अच्छे से समझ लेनी है, और इस तरह से हमारे पास इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान में दोनों साइकिल जो हैं वो रन करेंगे, थोरेसिक सैक्स और एब्डोमिनल सैक्स दोनों। ये जो आपके पास आउटवर्ड को एरो शो हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेंड कर रहे हैं, और अगर ये इनवर्ड को है तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हालत में
इनका जो डायमीटर है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। इसके अलावा जब हम इसमें बात करते हैं मैमल्स की या बर्ड्स की बात करते हैं, तो इन हमारे पास इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में मसल्स जो हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स को तो आपको पता है कि जो उनका डायमीटर है वो कम हो जाता है, और एज़ कम्पेयर टू जब आप उनको रिलैक्स करते हैं तो उनका डायमीटर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। नेक्स्ट इसमें थर्मो रेगुलेशन है, ये बच्चे मैंने आपको करवा दिया था। आपने ये जो इसमें वैल्यूज़ हैं मोस्टली, फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स भी दी गई हैं कि अकॉर्डिंग टू गैसियस सिस्टम के हमारे पास जो एवियन में जो गैसियस सिस्टम है वो मोर एफिशिएंट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टेट्रापोड्स के। ठीक है, एक तो ये है कि उनका डायमीटर जो साइज़ होता है वो कम होता है, और साइज़ कम होने के साथ साथ वहाँ से एयर जो है वो ईज़िली रश कर सकती है। लेकिन जब आप मैमल्स में देखते हैं, ह्यूमंस में देखते हैं, तो आपको पता है कि जो डायामीटर जो आपकी बॉडी में एयर सैक्स होते हैं वो हमारे पास कम होते हैं, और वहाँ पे एयर जो गुजरने के चांसेस हैं वो कम होते हैं। ठीक है, आप इसमें ये देख लें कि आपको ये डायग्राम सी नज़र आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास मोस्टली यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से जो पैराब्रोंकाई हैं ये उनकी डायाग्राम दिखाई गई है, और उसमें ये दिखाया गया कि हमारे पास जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो कितनी पाई जाती हैं इस पैराब्रोंकाई में। ठीक है, और ये जो हमारे पास जो टिनी एयर पार्टिकल्स होते हैं, एयर होती है उसको पास आउट करने देते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट इसमें हमारे पास नर्वस और सेंसरी सिस्टम है। ठीक है, हमारे पास जो मोस्टली माउस है, माउस आपको ये मोस्टली जो है वो इन्वेलप्ड होता है जो डार्कनेस नाइट टाइम में जो डार्कनेस होती है उसमें भी। इसके अलावा आप इसको डे टाइम में देखते हैं तो ये आपको नज़र नहीं आता। ठीक है, जो आउल है सेम इसी तरह से उसकी जो ओवरहेड है वो मोस्टली टंग करती है, जहाँ पे हमारे पास साउंड्स की डायरेक्शन फेंट साउंड्स की डायरेक्शन होती है उसी तरफ को टर्न करते हैं इनके जो फीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो बार्न आउल्स हैं, यहाँ पे ऑन आउल्स हैं जो उनकी डायग्राम्स ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको आउल डायग्राम है उसकी नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको ये बार्न आउल है वो दिखाया गया जिसको आप टाइटो एल्बा का नाम देते हैं। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और इसमें जो हियरिंग की सेंस होती है और इसके अलावा देखने की जो सेंस होती है वो एज़ कम्पेयर टू एक्सीलेंट होती है ड्यूरिंग नाइट टाइम में और एज़ कम्पेयर टू डे टाइम के। ठीक है, तो सेम इसी तरह से जैसे आप बैट की एग्जांपल पढ़ते हैं तो बैट में बेसिकली क्या होता है कि वो नाइट टाइम में ज़्यादा वर्क कर सकती है एज़ कम्पेयर टू डे टाइम के, और सेम इसी तरह से हमारे पास कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाइट टाइम को ज़्यादा वर्क करते हैं और एज़ कम्पेयर टू डे के। और इसमें हमारे पास बैरन ऑयल जो है वो भी इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो बर्ड्स हैं उनका जो फोर ब्रेन होता है वो लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो रेप्टाइल्स हैं या जिसको हम नॉन एवियन रेप्टाइल्स भी कहते हैं उनके, और वो लार्ज हमारे पास फोर ब्रेन क्यों होता है बर्ड्स का, क्योंकि उनमें जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो हमारे पास लार्ज होती है। ठीक है, और सेरिब्रल हेमिस्फीयर में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक रीजन ग्रे मैटर का रीजन होता है और इसके हमारे पास कॉर्पस स्ट्रेटम होता है। ठीक है, ये आपके पास जो हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये उसकी फंक्शनिंग बताई गई है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या क्या होता है, कॉर्पस स्ट्रेटम और ग्रे मैटर है। नेक्स्ट इसमें हमने देखना है कि ये जो कॉर्पस स्ट्रेटम है इसका बेसिकली फंक्शन क्या है। ठीक है, कॉर्पस स्ट्रेटम जो है ये हमें हेल्प करती है विजुअल लर्निंग में। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ को देख के सीखते हैं तो विजुअल लर्निंग में आ जाता है। ठीक है, फीडिंग की कोडशिप है कि आप किसी को नेस्टिंग करते हुए या फीडिंग की कलेक्शन करते हुए देखते हैं। सेम इसी तरह से आप वो पैरेट की एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में भी दी थी कि वो जैसे आप बोलते हैं वो आपको देखते हुए वैसे ही स्पीक करता है। सेम इसी तरह से हमारे पास कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि कभी ह्यूमंस को कभी बर्ड्स को देखते हुए कि वो नेस्ट की मेकिंग किस तरह से करते हैं, वो फीडिंग की कलेक्शन किस तरह से करते हैं, उसमें किस तरह से अपना कोर्सिव बिहेवियर है वो शो करते हैं। इसके अलावा वो विजुअली उसको सारा लर्न करते हुए खुद प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक पिनियल बॉडी होती है जो कि हमारे पास फोर ब्रेन है उसके रूफ साइड पे होगी, और इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ओवेरियन
डेवलपमेंट होती है उसको स्टार्ट करना, ठीक है। ओवेरियन डेवलपमेंट किस में आ जाएगी, आपके रिप्रोडक्शन पार्ट में, जो कि फीमेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी, और इसके अलावा इसका रेगुलेट होगा अदर फंक्शनिंग में, जो कि लाइट और डार्क पीरियड्स होते हैं ये उनको भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। पिनियल ग्लैंड जो है वो बेसिकली ओवेरियन डेवलपमेंट, इसके अलावा लाइट और डार्क पीरियड्स ड्यूरिंग डे टाइम में और नाइट टाइम में जो है वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट इसमें आप देखते हैं कि हमारे पास मोस्टली जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में हमारे पास एक ऑप्टिक टेक्टम होती है। ऑप्टिक टेक्टम जो है वो मिड ब्रेन की रूफ होती है, ठीक है। आपने ये वर्ड पहले कभी नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। ये मिड ब्रेन की रूफ होती है जिसको ऑप्टिक टेक्टम का नाम दिया जाता है, और इसका बेसिकली ये कॉर्पस हमारे पास जो स्ट्रेटम है उसके साथ होती है, और इसका बेसिकली फंक्शन ये है कि ये जो सेंसरी फंक्शंस होते हैं जो कि सेंस करने में, जिसमें हमारे पास फीलिंग भी आ जाती है, उसमें टच की आ जाती है, स्मेल है, टेस्ट है, तो उन सब में जो है ये इंटीग्रेट करने में, उनको आपस में कोलैबोरेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मिड ब्रेन जो है उसका मेन फंक्शन जो है वो सेंस करना है, रिसीविंग की, रिसीविंग किसकी है वो आइज़ की। जैसे कि अगर आप कोई विजुअल रिलेटेड कोई सेंस करते हैं तो उसको मिड ब्रेन जो है वो डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो रेप्टाइल्स हैं उसमें जो हाइंड ब्रेन है वो हमारे पास सेरिबेलम है उसको इंक्लूड करता है, और इसके साथ साथ हमारे पास मेडुला ऑब्लोगेटा है, ये दोनों मोटर एक्टिविटीज़ उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, और साथ साथ हार्ट बीट है उसको रेगुलेट करते हैं। इसके साथ साथ आपके पास जो रेस्पिरेटरी रेट्स होते हैं गैसेस के एक्सचेंज में, उसमें हेल्प करेगा। बर्ड्स में जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है वो विजन है, सेम इसी तरह से जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है बर्ड की आइज़ का वो सिमिलर होता है अदर वर्टिब्रेट के साथ, ठीक है। लेकिन हम इसमें ये कहते हैं कि जो बर्ड की आइज़ होती हैं वो लार्जर होती हैं एज़ कम्पेयर टू उनकी बॉडी साइज़ के, ठीक है। लेकिन जब हम अदर वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो अदर वर्टिब्रेट्स के जो बॉडी साइज़ हैं वो ज़्यादा होते हैं, और उनकी जो विजन है या जो उनकी आइज़ का साइज़ होता है वो कम होता है, ठीक है। बच्चे आपको समझ आ रही है? और इसमें बेसिकली विजन में हमारे पास मोस्टली जो वो आइज़ हैं वो मेन रोल प्ले करती हैं, और ये आपके पास जो इंटीरियर डायरेक्शन होती है हमारे पास जो माउथ की, ये वहाँ पे प्रेजेंट होंगी, और इनका बेसिकली ये पर्पज़ होता है कि जैसे ही बर्ड जो होते हैं इनकी जो आइज़ डिटेक्ट कर लेती हैं अपने प्रे को, तो वो फॉलियस पे अटैक कर लेते हैं, ठीक है। इसमें एक पैड लाइक स्ट्रक्चर्स भी कहा गया जो कि हमारे पास सिमिलर होते हैं रेप्टाइल्स के साथ, और इनका बेसिकली वर्क होता है कि जो लेंस की कर्वेचर्स होती हैं उनको कंट्रोल करना, और इसके अलावा जो सिलरी मसल्स होते हैं जो कि आपकी आईज़ में पाए जाते हैं, और आपकी जो कॉर्निया की मूवमेंट होती है ये उसको कंट्रोल करते हैं। चलें, जहाँ पे बच्चे आपको ना समझ आए वहाँ पे आपने पूछ लेना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बर्ड का रेटिना भी है, आपने यहाँ पे हमने पढ़े हैं बर्ड्स की जो आईज़ हैं उसके लेंस पढ़े हैं, लेंस के साथ साथ हमने क्या क्या पढ़ा है, उनकी कॉर्निया है वो पढ़ा, इसके अलावा हमने रेटिना है, अब उसमें वो देखेंगे कि बर्ड की जो हाई का रेटिना होता है वो थिक होता है, इसके अलावा वो दोनों कंटेन करता है रॉड्स को भी और कोन्स को भी। रॉड्स जो हमारे पास वो होते हैं एक्टिवली लो लाइट इंटेंसिटी में भी वर्क करते हैं, लेकिन जो हमारे पास कोन्स होते हैं वो हाई लाइट इंटेंसिटी में वर्क करते हैं। ये मेन डिफरेंस है, ये आप लोगों का MCQs भी आ सकते हैं। इसके अलावा हम कौन सा ये कहते हैं कि ये स्पेशली जो है वो कंसंट्रेटेड होते हैं एक फोकल पॉइंट पे, जिसको आप फोविया का नाम देते हैं। अगर आपने आई का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आई में जहाँ पे कौन को फोकस किया जाता है एक एरिया पे उसको रखा जाता है अपनी डायरेक्शन को, कोई भी चीज़ है उसको देखने के लिए, तो उसी को हम जो है वो फोविया का नाम देते हैं, जहाँ पे उसका एंगल जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अदर वर्टिब्रेट्स बर्ड्स में जो हमारे पास हैं टू फोवी पर आई होते हैं, कि एक आई में जो आपके पास जो है वो एक फोवी होगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर हमारे पास वर्टिब्रेट्स के वहाँ पे हमारे पास एक आई के पास जो है वो पर वन फोवी होता है, ठीक है, कि उनकी डायरेक्शन को मेंटेन रखने के लिए जस्ट हमारे पास एक ही फोवी मौजूद होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो वन रेटिना के सेंटर पे आपके पास जो ये सर्च फोवी होता है, ये बेसिकली मोनोकुलर जो विजन होती है ये उसमें हेल्प करेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एंगल है उसको डिटेक्ट करता है उसको कंट्रोल करने के लिए,
विजन को जो है वो आपकी उसको स्पेसिफाई बना देता है आपको एग्जैक्ट एंगल पे। बाज़ दफ़ा अगर आपसे शिकार आपके एग्जैक्ट एंगल पे नहीं होगा तो आप उसको इजीली कैप्चर नहीं कर सकते, आप उसको अटैक नहीं कर सकते। जब आपके पास अटैक जो है वो आपके पास एग्जैक्ट एंगल बन रहा होगा प्रे को अटैक करने का, तो तभी आप उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं। अगर आपके पास डायरेक्ट फोकस नहीं होता तो आपसे क्या होता है कि वो जो आपका प्रे होता है आपका जो शिकार होता है वो आपसे मिस हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो है ये पोस्टीरियर मार्जिन पे, एक आपके पास इंटीरियर मार्जिन पे होता है फोवी, एक आपके पास जो है वो पोस्टीरियर मार्जिन पे होता है। ठीक है। जो पोस्टीरियर पे आपके पास होता है उसको आप परसुएट फोवी का भी नाम देते हैं, और ये आपको हेल्प करता है बाइनोकुलर विजन में कि फॉर एग्जांपल टू साइडेड, आपने अपने वेंट्रल साइड पे भी देखना होता है, आपने अपनी डॉर्सल साइड पे भी देखना होता है। ठीक है। तो ये उसमें आपको हेल्प करता है। बाकी बस ये आपको दो इसमें नेम्स आने चाहिए फोवी के कौन कौन से होते हैं। ठीक है। इसमें ये देखें, ये बच्चे ये आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है, पिजन है, हॉक है डायग्राम में, और इसके साथ साथ वुड पैकर है, सॉरी वुड कुक है। ठीक है। इसमें यहाँ पे आपके पास जो पिजन है और बी में आपके पास हॉक है, इनका बेसिकली क्या है कि इनकी जो वुड कॉक्स में आप देखते हैं कि जो आईज होती हैं वो पोस्टीरियरली लोकेटेड होती हैं, और इसके साथ साथ जो है ये बाई नॉकुलर जो विजन है उसमें हेल्प करेंगी कि इन फ्रंट ऑफ द प्रे भी और बिहाइंड जो आपके हेड की बैक, और इस तरह से आपको जो अपना प्रे होता है उसको कंट्रोल करने में, उसको कैप्चर करने में आसानी होती है। बच्चे रेटिना आपके पास जो आप ह्यूमन आई है या आपके पास बर्ड्स की आईज हैं तो उसमें रेटिना और कॉर्न्स दोनों होते हैं। ठीक है। और ये बेसिकली किस लिए होते हैं, जो लाइट की इंटेंसिटी, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कि अगर आप बिल्कुल अंधेरे वाले रूम में जाते हैं, बिल्कुल लाइट से आप या धूप से आप जाते हैं, धूप में आपको पता है डे टाइम में रोशनी ज़्यादा होती है, जब आप अंधेरे वाले रूम में जाते हैं या आप उसमें थोड़ी बहुत ही लाइट होती है आप जाते हैं लेकिन आपको फुल अंधेरा नज़र आता है। ठीक है। तो ये आपका बेसिकली इसका ही मकसद ये होता है, रेटिना और कॉर्न्स का ही होता है कि आपके पास जो रेटिना होते हैं या फिर आपके पास जो कॉर्न्स होते हैं ये लो और हाई जो लाइट इंटेंसिटीज होते हैं ये उनको डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो रॉड्स हैं वो आपके पास लो लाइट इंटेंसिटी में काम करेंगे और जो कॉर्न्स हैं वो आपके पास हाई लाइट इंटेंसिटी में काम करेंगे। ठीक है। आपके पास जो फॉर एग्जांपल अगर आपको लो लाइट नज़र आ रही है या आप लो लाइट देखना चाहते हैं तब आपकी जो आईज़ के जो रॉड एरिया है वो वर्क करेगा। ठीक है। और जो आपका कोन एरिया है वो आपका तब वर्क करेगा जिसमें आपके पास जब हाई लाइट होगी, जब आपके पास लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी और आप डे रूम में आते हैं तो आपके पास जो लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से आपको रूम में अंधेरा नज़र आता है। ठीक है। तो रेटिना है जी जो आपकी आई का फ्रंट पोर्शन होता है जो कि रॉड्स और कॉन्स दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चे, समझ आ गई अब। बच्चे आपको रॉड कॉन्स का रेटिना का समझ आ गया है। ओके। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे मोनोकुलर और बाइलाकुलर जो विजन है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है। और इसके अलावा आपकी नेक्स्ट हमारे पास जो एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये आप लोगों के पास यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी कि सेम लाइक रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में और बर्ड दोनों में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। ये जो आई की सरफेस होती है ये उस पर ड्रॉ होती है, और ये बेसिकली किस लिए होती है, ताकि आई को किसी भी तरह की डैमेज है, फॉर एग्जांपल मट्टी है वो पड़ती है या कोई भी आँख में चला जाता है तो उसको फौरी आप जो है वो फ्लिक करते हैं तो उसके इन रिस्पॉन्स में वो आपकी जो आई होती है वो क्लियर हो जाती है। ठीक है। तो ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो आपकी आई की प्रोटेक्शन के लिए होती है।
और नेक्स्ट आपके पास जो ऑल्फेक्शन है ये प्ले करती है अपना माइनरली रोल जो बर्ड्स की जो लाइव्स होती हैं, फॉर एग्जांपल सेंस करने में, जैसे आपके पास एक्सटर्नल नेयर्स हो गए, एक्सटर्नल नेयर्स को बच्चे आप नोज़ भी कहते हैं, जो कि हेल्प करते हैं आपको किसी भी फॉर एग्जांपल फूड है उसकी स्मेल में, या फिर अपने शिकार है उसकी स्मेल में, कि आपने उस पर अटैक किस तरह से करना है। और इसमें आपको पता है कि जो एपिथीलियम होती है वो आपके पास प्योरली डिवेलप होती है, रिचली डिवेलप नहीं होती। और आपके पास जो टर्की वल्चर्स होते हैं ये बेसिकली के लोकेट करते हैं अपने डेड और डिकेइंग प्रे पे, ठीक है। और ये उसको डिटेक्ट किस तरह से करते हैं, उनकी स्मेल के ज़रिए से। आपको पता है कि कोई भी बर्ड या एनिमल है आपके पास, जब वो उसकी डाई हो जाता है तो उसकी स्मेल होती है बॉडी की, जो कि डिटेक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपके पास जो बर्ड में आपके पास जो है वो हेयरिंग मोस्टली तौर पे डेवलप की जाती है। इसके अलावा इसमें हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी होती हैं, जो कि आपके इंटरनल जो ईयर है उसमें पाई जाती हैं। और उसके अलावा ऑरिकुलर जो कैनाल्स होती हैं, जो कि आपके डेलिकेट फैदर्स हैं उनको कहा जाता है, और ये एक्सटर्नल एयर की ओपनिंग की सरफेस पे मौजूद होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास मिडल और इनर एयर का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है हमारे पास रेप्टाइल्स की तरह से, लेकिन जो हमारे पास एक्सटर्नल एयर का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू रेप्टाइल्स के। वो डिफरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास डेलिकेट फैदर्स हैं वो पाए जाते हैं उनकी सरफेस पे, जिसको आप ऑरिक्यूलर्स का भी नाम देते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो एवियन एयर की जो सेंसिटिविटी होती है वो आपके पास 100 से लेके 15,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है, जो कि आपके पास सिमिलर होती है ह्यूमन एयर के, ठीक है। ह्यूमन एयर के आप 16 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। और अगर आपके पास 20,000 हर्ट्ज से जो इसकी अमाउंट जो है वो फ्रीक्वेंसी की जो वॉइस होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, फॉर एग्जांपल 25 हर्ट्ज तक होती है, तो आप उसको कम सुन सकते हैं। इसीलिए हम क्यों कहते हैं कि जो ओल्ड एज में आप सुनने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपकी जो सेंसिंग की एबिलिटी होती है, जो वॉइस होती है वो आपको ऊँची सुनाई देती है, और इसके साथ साथ जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी आपकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सुन सुन के जो है वो उसमें से रप्चर होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, इंटरनली। तो इसलिए आपको ज़्यादा ऊंचा सुनना सुनाई देता है। एक्सक्रीशन का और ऑस्मो रेगुलेशन का मैंने आपको पढ़ा दिया था, मोनोगैमस और ये पॉलीगैमस ये भी आप लोगों ने पढ़ ली है। इसमें बाकी नेस्टिंग एक्टिविटीज़ और नेविगेशन है, ये आपने इसमें दो डिस्कस करने हैं, ठीक है। नेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, इसमें हमने ये देखना है कि ये बेसिकली ये जो नेस्ट है ये किस तरह से बनाते हैं, और जो हमारे पास एग्स हैं उनको क्या कहते हैं, इनकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है। तो यहाँ तक आपको कोई समझ आ गया, अगर यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछ लें, अदरवाइज़ फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और बाकी की क्लास कहाँ है बच्चे, क्लास कम्प्लीट ज्वाइन किया करें, इससे फिर ये है कि आपके लिए बाद में मुश्किल होगी, ठीक है। आफ्टर आप लोगों की जूलॉजी की क्लास के बाद फिर आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में बेसिकली आप लोगों को उसका सिलेबस भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, तो सही है कि आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, नेक्स्ट स्टार्ट करें। नेक्स्ट इसमें हमने जो नेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं इसमें हमने वो डिस्कस करनी है कि इसमें एक तो हमने बर्ड्स का बिहेवियर है वो स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल स्पीशीज स्पेसिफिक का क्या है कि आउल जो है वो सिर्फ आउल को ही हेल्प करेगा, इसके अलावा जो हमारे पास स्पैरोज़ हैं, हमारे पास हॉक्स हैं, वल्चर्स हैं, तो वो अपनी ही जैसे स्पीशीज़ हैं उनको स्पेसिफाई करेंगी, ठीक है। तो आपने इस चीज़ है ये हमारे पास स्पीशी स्पेसिफिकेशन है या स्पीशी रिकग्निशन है, ये हमारे पास हर एनिमल्स में मैटिंग के लिए भी, रिप्रोडक्शन के लिए भी, नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन के लिए भी, इसके अलावा नेस्टिंग की एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी इनका मेन रोल होता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास ये है कि कुछ बर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि नेस्टिंग साइट्स हैं उसके लिए अपनी स्पीशीज़ के लिए चूज़ करते हैं और उसको ये करते हैं कि हमारे पास अदर जो बर्ड्स हैं वो उस नेस्ट में ना आ सकें, ठीक है। और कुछ हम ये देखते हैं कि कुछ अपने बर्ड्स के जो नेस्ट हैं वो इस ऐसी जगह पे बनाते हैं जहाँ पे सिर्फ उनको पता है, इसके अलावा और किसी को ना पता हो,
और कुछ जो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बड़े होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ी जो हमारे पास बर्ड स्पीशी है वो छोटी पर अटैक कर सकती है, लेकिन छोटे वाली जो है वो बड़ी स्पीशी है हमारे पास बर्ड की, उस पर अटैक नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है कि ग्रुप जो बर्ड एग्स का होता है हमारे पास, जो कि लेट किया जाता है, और उससे चिक्स जो प्रोड्यूस होते हैं बाय फीमेल के ज़रिए से, उसको आप क्लच का नाम देते हैं, ठीक है। क्लच साइज़ जो है वो हमारे पास वेरी करता है डिफरेंट स्पीशीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें ये देखते हैं कि जो वल्चर हैं उनकी क्लच का साइज़ जो है वो हमारे पास अलग होगा, और इसके अलावा हमारे पास जो ट्रीज़ हैं, सॉरी हमारे पास हॉक्स हैं उनकी अलग होगा, और इसमें वुड पैकर हैं, अदर हमारे पास जितने भी बर्ड्स हैं आउल हैं, तो उनकी जो क्लच साइज़ है वो डिफ़र करेगा, ठीक है। इसमें हमारे पास मोस्टली जो बर्ड्स इनक्यूबेट किए जाते हैं उनके जो एग्स इनक्यूबेट किए जाते हैं, सम बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि फ़ेदरलेस होते हैं, उनके फ़ेदर्स मौजूद नहीं होते, उनमें जो वस्कुलाइजेशन की एबिलिटी होती है या जो ब्रूड पैच। अच्छा, वस्कुलाइज इनक्यूबेशन ये होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना भी होगा अक्सर कि जब बेबी प्रोड्यूस होता है तो उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो उसका कम्प्लीट नहीं होता, तो उसको आप इनक्यूबेटर में रखते हैं उसके टाइम को कम्प्लीट करने के लिए। क्यों? ताकि आपको जितनी बॉडी का इनक्यूबेटर में आप जितना टेम्परेचर चाहें उसको मेंटेन कर सकते हैं, जो कंडीशंस आइडियल आप चाहते हैं वो आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप उसको अदर, या फिर आप इसको लेबॉर्ट्री में मेंटेन कर सकते हैं इसको टेम्परेचर वगैरह को, लेकिन आप उसको वहाँ पर जब लेबॉर्ट्री में प्लेस किया जाता है तो आप ये देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास अदर केमिकल्स भी होते हैं, तो उससे भी वो जो नन्ही सी जान होती है उसको ख़तरा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो इनक्यूबेटर्स होते हैं, जैसे एक आपके पास ओवन होता है, ओवन की शेप का ही आपके पास इसी तरह का एक इनक्यूबेटर होता है, उसमें आप प्लेस कर देते हैं, वहाँ पे एग्स रखते हैं, या फिर आप उसमें जो ब्रूड साइज़ या पैच होते हैं या क्लच साइज उसमें आप रख देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको 30 डिग्री टेम्परेचर देना है तो आप उसको 33 दे दें, 30 दे दें, आप उसको 35 दे दें, जितना उसकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है, जो कि उसको इनसाइड बॉडी में मिल रहा था आप उसको आउटसाइड उतना ही प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये इनक्यूबेटर इसलिए होते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे ये कहा गया कि वस्कुलाइज्ड इनक्यूबेशन और ब्रूड पैच ये के हेल्प करते हैं एग्स का, और ये टेम्परेचर की मेंटेन के लिए, और इनका 33 से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इनका मेंटेन रखा जाता है। इसके अलावा हम बर्ड्स का ये भी कहते हैं कि ये एग्स हैं ये उनको प्रिवेंट करते हैं, इनकी जो एग के अराउंड जो है वो मेम्ब्रेन्स होती हैं, और ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये अदर कोई भी प्रे है ये उसके अटैक से उनको प्रोटेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि हम एग जैसे यूज़ करते हैं तो उसकी आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, वाइट कलर का शेल होता है, उस शेल को रिलीज़ करके आप एग है उससे जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उससे जो है वो आप एम्ब्रियो की प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, उससे आप स्लाइड बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको ये भी पता चल सकता है कि जो आपके पास ये जो स्लाइड मेकिंग करते हैं वो आपके पास सीड्स नज़र आते हैं, कि आपके पास ये जो एम्ब्रियो है, ये जो एग है, ये आपके पास यहाँ पे बेबी की है चूज़ा, इसमें जो डेवलप होना है, ये आपके जो आपके पास बर्ड आ जाता है उसमें डेवलप करना है, वो कितने टाइम का हो गया, उसको 1 वीक का टाइम हो गया है, उसको 2 वीक का हो गया है, उसके 4 वीक्स गुजर गए हैं, उसके 2 दिन गुजरे हैं, तो इससे आप वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने ये बताया। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल भी दी गई है कि जो हमारे पास इजिप्शियन फ्लावर जो कैरीज होती है, तो उसमें हमारे पास जो है वो वाटर जो डिस्टेंट साइज से, जो कि हमारे पास 20 फिदर्स होते हैं उनको, और ये इनका पीरियड जो हमारे पास आता है वो 10 से लेके 80 डेज तक होता है, ठीक है, और ये कोरिलेट करता है हमारे पास एग के साइज़ के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा जो उनकी डेवलपमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग, और हैच ये इसको आप परफॉर्म करते हैं आफ्टर हैचलिंग, ठीक है। हैचलिंग करने के बाद आप इसकी जो प्रोडक्शन होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा हैचलिंग से पहले भी आप इसको 1 to 2 days के लिए रख सकते हैं, और उनकी जो इनक्यूबेशन उनका जो टाइम रिक्वायरमेंट है आप उनको वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये हैचलिंग अकर होने के बाद जो हमारे पास यंग बर्ड होगा वो जो शेल से बाहर आ जाएगा, और इसके अलावा उसमें कैटिनाइज्ड एग और उसकी जो टिप पे जो है वो अपर जा होंगे, और जो कि स्ट्रगल करेंगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो आपने इसमें ये देख लेने हैं। हमारे पास कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं हैचिंग के टाइम पे वो हेल्पलेस होते हैं, वो हमेशा डिपेंड करते हैं दूसरों पे, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते भाई। लेकिन बाज बर्ड ऐसे भी होते हैं जिनको किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही जो है वो डिवेलप हो जाते हैं, उन
उनकी जो वो इंडिपेंडेंट होते हैं उन। अच्छा, इसमें आपने मोस्टली तौर पे ये देखा होगा कि ये अदर पेरेंट्स पे डिवेल्प, हमारे पास वो बर्ड्स जो कि हेल्पलेस होते हैं हैचलिंग के टाइम, वो डिवेल्प करते हैं, डिपेंड करते हैं अदर पेरेंट्स पे, तो उनको हम नाम देते हैं आर्टिशियल का। और इसके अलावा जो हमारे पास मोस्टली तौर पे, और इसमें आप ये देखते हैं कि आर्टिफिशियल में हमारे पास ये पेरेंट्स जिन पर ये डिपेंड कर रहे होते हैं वो इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है इनको वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आर्टिफिशियल जो यंग होते हैं वो हमारे पास जो ब्रूडिड होते हैं फर्स्टली तौर पर, और इसके अलावा क्योंकि उसमें और एंडोथर्मी जो है वो डिवेलप नहीं होती, क्योंकि एंडोथर्मी में हमारे पास मोस्टली वो बर्ड्स और वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि खुद ब खुद ही जो है वो डिवेलप होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते अपनी डिवेलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और इसमें हमारे पास ये जो अमेरिकन रॉबिन्स हैं इनका जो वेट होता है वो हमारे पास 4 से 6 ग्राम तक होता है हैचलिंग के टाइम, और ये अपने नेस्ट जो होते हैं उनको लीव कर देते हैं 13 डेज़ के बाद, ठीक है। और तब इनका जो वेट होता है वो 57 ग्राम तक पहुँच जाता है। और इसके अलावा आपके पास जो प्रीकोलियल जो हमारे पास यंग्स होते हैं वो अलर्टली होते हैं, और इसके अलावा लाइव रहते हैं ड्यूरिंग हैचलिंग टाइम पे, और वो अपनी वो इजीली जो है वो रन भी कर सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, और इसके अलावा फीड भी कर सकते हैं। इसमें वो आ जाते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, जो कि अदर पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। आप उसको जो है वो प्रीकॉल का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि वो टाइम से पहले ही राइज कर जाते हैं। बाकी आपने अक्सर सुना भी होगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसे होते हैं, आपने अक्सर न्यूज़ में भी सुना होगा कि कुछ हमारे पास चिल्ड्रन है बेबी हमारे पास जो बड़े होते हैं कि वो कम एज में ही अपने जो बड़े जो उन्होंने यंग एज में जाके करेक्टर्स करने होते हैं वो स्मॉल एज में ही करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह से वो जो हमारे पास अर्ली टाइम में जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं वो हमारे पास प्रोकोशियल में आएंगे, और जो हमारे पास आर्टिफिशियल में आएंगे वो अपने ड्यूरिंग हैचलिंग टाइम पे वो डिपेंड करते हैं अपनी हैचिंग के लिए अदर पेरेंट्स पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये आप लोगों के लिए यहाँ पे मेन बात थी। और नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास है कुछ आर्टिफिशियल बर्ड जो होते हैं उनमें की जो एपिटाइट होती है वो ह्यूज होती है, और इसके साथ साथ वो सिर्फ एक ही पेरेंट पे नहीं, वो दोनों पे, मेल और फीमेल दोनों पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए। और इसके अलावा हमने इसमें ये भी देखा था कि वो अपनी फूड स्टोरेज जो है वो मोस्टली हमारे पास वो क्रॉप में और ईसोफिगस जो पार्ट है वहाँ पे होगी, ठीक है। तो आपने इसको देख लेना है। यहाँ तक आपकी कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? अगर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ लें, इंशाल्लाह ये आज आपका जो बर्ड का है ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है माइग्रेशन और नेविगेशन। ट्वेंटी सेंचुरी एगो से पहले हमारे पास एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट जिसने डिस्क्राइब किया था कि जो बर्ड्स की माइग्रेशन है वो अकॉर्डिंग टू समर और विंटर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो एक से दूसरी प्लेस में माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें उसने मिस्टेकनली जो है वो ये भी कहा था कि कुछ बर्ड जो हैं वो डिसअपेयर होते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन में, और जिसको कि हमने डायापॉज का, हाइबरनेशन का और एबेसिटेशन का नाम दिया था, ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू हमारे पास सीजन के वैरी करती है। हमने विंटर में देखा था कि हाइबरनेशन होती है, इसके अलावा स्प्रिंग और ऑटम में हमारे पास जो है वो डायापॉज थी, और एबेसिटेशन जो है वो आपके पास समर में थी, ठीक है। तो उसने ये जो माइग्रेशन है ये बाद में फिर उसने ये डिटेक्ट किया था कि ये जो माइग्रेशन है ये क्यों करते हैं। एक तो बेसिकली वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट को फेस नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या फिर हमारे पास जो साउथनर एरियाज़ हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में बेसिकली इस तरह से होता है कि टेम्परेचर राइज़ करता है तो वो उनके लिए वहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। अगर वो वहीं पर ही रहेंगे तो उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल होंगे, उनकी लाइफ को ख़तरा होता है, ठीक है। और अगर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं नेक्स्ट जब उनका ड्यूरेशन फॉर एग्ज़ाम्पल समर आता है तो दोबारा समर में वो अपना माइग्रेट कर सकते हैं उसी एरिया में जहाँ पे वो पहले रहते थे, ठीक है। इसमें हमारे पास जो इसके अलावा हमारे पास ब्रीडिंग फॉर एग्ज़ाम्पल कि उनके लिए जो ब्रीडिंग है
वो उनको विंटर सीजन में चाहिए, उनको स्प्रिंग में या ऑटम में चाहिए, लेकिन जो समर सीजन में है वो जस्ट अपने सर्वाइवल के लिए लाइव कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें ये चीज़ है। दूसरी, माइग्रेशन जो है वो बर्ड्स को क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स के अलावा अवॉइड करने के अलावा उनकी जो इस चीज़ में भी, फॉर एग्जांपल अगर उनको शेल्टर उस जगह पे नहीं मिल रही तो वो इसलिए भी माइग्रेट कर सकते हैं, उनको फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो फूड के लिए भी माइग्रेट कर सकते हैं अपनी फूड की कलेक्शन के लिए। इसके अलावा अगर उनको स्पेस वहाँ पे नहीं मिल रही, वहाँ पे उनके लिए एरिया कम पड़ रहा है, तो वो दूसरी जगह भी माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी माइग्रेशन की हमारे पास रीजंस हो सकती हैं। नेक्स्ट, इसमें हमारे पास जो यूटिलाइजेशन माइग्रेशन के लिए है कि बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू ईयर के भी माइग्रेट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन ब्रीडिंग सीजन। इसके अलावा वो एक से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, कि आपको अबंडेंस रिसोर्सेज कहाँ पे मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक सिटी से दूसरे सिटीज में मूव करते हैं, तो उससे यह है कि जहाँ पे आपके लिए जो बेटर चॉइस होगी आप वहीं को मूव करेंगे अपनी स्टडी के लिए। आपकी बात कर रही हूँ कि इसमें आप अपनी स्टडी के लिए जो आपको बेटर जगह नज़र आएगी आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने अदर जो लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए आप माइग्रेट कर सकते हैं। तो सेम उसी तरह से बर्ड्स में भी हमारे पास यही होता है। इसमें एक तो हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं और हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, हमारे पास साउदर्न एरियाज़ हैं। इसके अलावा हमारे पास टेम्परेट हैं, टेम्परेट में और वहाँ पे बेसिकली जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ बर्ड्स हैं, उनके नेम्स बताए गए हैं कि आपके पास कार्डिनल्स है या टिटी माइस है या वुड पैकर्स हैं। ये अपनी एडिक्वेट जो फूड इनको रिक्वायर होती है ये उसको फाइंड करने के लिए जो सेम रीजन है ऑल ईयर में ये एक से दूसरी प्लेस में मूव करते रहते हैं। और ऐसे बर्ड्स को हम क्या कहते हैं कि रेजिडेंट बर्ड स्पीशी। नेक्स्ट, इसमें हमारे पास जो बर्ड की माइग्रेशन होती है वो अकॉर्डिंग टू उनकी फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कंडीशंस होती हैं, उनकी अकॉर्डिंग भी होती है। ठीक है, इसके हमारे पास इननेट क्लॉक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, इसमें इननेट में हमारे पास जो जेनेटिक्स है वो इन्वॉल्व होती है कि जो आपकी जीन्स हैं वो उस पीरियड में, उस टाइम में, हाँ उस एरिया में वर्क नहीं कर रही होती हैं। लेकिन जो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उसमें आपका टेम्परेचर आ जाता है, सॉइल का एरिया आ जाता है, स्पेस आ जाता है, वाटर की क्वालिटी एंड फूड की अवेलेबिलिटी, क्या ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा आपका फोटो पीरियड है वो मेन रोल प्ले करता है कि फोटो पीरियड जैसे ही चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल सीजनल चेंजेस में जो है वो फोटो पीरियड इनिशिएट किया जाता है, तो वो गोनेडल डेवलपमेंट पे इफेक्ट करेगा। गोनेडल में आपके पास टेस्टिस और ओवरीज दोनों आ जाएंगे जो कि मेल और फीमेल की प्रोडक्शन में आपको हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फोटो पीरियड जो है वो चेंज करने से उनकी जो फैट की डेपोजिशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, वो प्रमोट हो जाती है, जो कि उनको हेल्प करती है एनर्जी की कंजर्वेशन में, जो कि वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब होता है और पिनियल ग्लैंड जो है वो हमारे पास मोस्टली हेल्प करते हैं ये जो फोटो पीरियड के रिस्पॉन्सेज हैं, फोटो पीरियड की जो एक्टिविटी है उसको रन करने के लिए। नेक्स्ट, इसमें हमारे पास नेविगेशन आ जाती है कि हमारे पास जो होमिंग पिजन्स होते हैं वो सर्व करते हैं मेनी ईयर्स के लिए, और उसको एज ए पिजन पोस्टल सर्विस के तौर पर भी आप उसको यूज़ किया जाता है कि एक जगह से जब आप उस उनको मैसेज को भेजना होता था पुराने दौर में, अब तो खैर टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि आप मेल के ज़रिए से, आप फ़ोन कॉल के ज़रिए से, PTCL पहले होते थे, फिर उसके बाद आप मोबाइल और एंड्रॉयड फ़ोन है उसके ज़रिए से आप कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट टाइम में जो कबूतर को एज ए मैसेज के तौर पर उसके जो माउथ में जो है वो लेटर दे के उसको भेज दिया जाता था, तो इसको जो है वो एज ए पोस्टल पर सर्विस के लिए भी यूज़ किया जाता था बर्ड्स को। इसके अलावा हमारे पास जो इजिप्शियन के जो एंशियंट टाइम्स, स्टार्टिंग के टाइम में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, ये तकरीबन आपके पास हुई थी 1945 में जो है ये आपके पास, हाँ 1945 में आपके पास जो वर्ल्ड वॉर 2 थी वो एंड हुई थी। यहाँ पे पिजन्स को जो है वो मैसेजेस के लिए यूज़ किया जाता था कि बैटल फील्ड में, कि बैटल जो जंग होती थी उसमें कि इनका क्या रोल है, उन्होंने एक से दूसरे जो कंट्री है उनको मैसेज कन्वे करने के लिए इनको यूज़ करते थे। नेक्स्ट,
और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है कि बर्ड्स की टू फॉर्म्स होती हैं नेविगेशन की, एक आपके पास रूट बेस्ड नेविगेशन होती है कि वो जो लैंडमार्क्स के थ्रू की जाती है, फॉर एग्जांपल कि जो आप ज़मीनी एरिया है उसको यूज़ करते हैं और ट्रैक को यूज़ करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, वो आपके पास विजुअल भी हो सकता है और ऑडिटरी भी हो सकता है, ठीक है। और एक जो और वो फिर जो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। और दूसरी आपके पास लोकेशन बेस्ड नेविगेशन भी हो सकती है, एक रूट की बेस पे, दूसरा आप जो जैसे आप GPS ट्रैकर्स उनको यूज़ करते हुए लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम इसी तरह से आप जो है वो बर्ड्स को जो उनके डायरेक्शन प्रोवाइड करने के, उनकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक उनको पहुँचाने के लिए जो है वो नेविगेशन लोकेशन जो नेविगेशन है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यही लोकेशन बेस्ड जो नेविगेशन होती है उसमें आप जो क्लेस्टियल क्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल जो मैग्नेटिक फील्ड में आपको हेल्प करते हैं, कैंपसेस को यूज़ करते हुए कि ये नॉर्थ एरिया है, ये साउथ है, हमने इस कैंपस को जो है कंपास को जो है वो इस साइड पे मूव करना है, तो इस तरह से आप यूज़ करते हुए जो लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने कंपासेस के थ्रू जो है वो आपने अपने जो प्रैक्टिकली है आपने 9th-10th में तब किए भी होंगे या फर्स्ट ईयर 2nd ईयर में किए होंगे। नेक्स्ट में हम ये करते हैं कि जो हमारे पास बर्ड के लेंजेज होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट के, ठीक है, कि उनके लिए बिल्कुल जो है वो फोटो एज ए फोटो रिसेप्टर के तौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से जो क्लाउडी डेज होते हैं जिसमें हमारे पास जो सन होती है उनकी लाइट हमारे पास कम हो जाती है, और इसी ओरिएंटेशन क्यू को जो है वो हम सन कंपास का नाम देते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करती है कि एक से दूसरी प्लेस तक मूव करने में और उसको साथ साथ जो है वो प्रिसीव करने में हेल्प करती है। या आपके पास एज ए इंटरनली क्लॉक्स भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने ये जो इसकी एग्जांपल है उनकी ये जो मेन बातें हैं ये आपने देख लेनी है। और इसमें आपने बेसिकली जो हम रूट बेस्ड हैं और लोकेशन बेस्ड जो नेविगेशन है वो करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास यहाँ पे हमारे पास है लास्ट में कि क्लस्टियल क्यूज जो होते हैं वो अदर देन सन भी हम यूज़ कर सकते हैं नेविगेशन के लिए, ठीक है, सन के पार्ट को छोड़ते हुए कि सन को देखते हुए हम नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन को फाइंड आउट करें, तो अदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। उस पर हमारे पास नॉर्दर्न हेमिसफेयर में जो ह्यूमंस रिकग्नाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टार लाइंस के, ठीक है, जो स्टार लाइंस होती हैं वो जो अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है उसकी अपवर्ड पड़ती हैं, तो इस तरह से ये जो एंगल बनता है नॉर्थ स्टार के और जो हॉरिजॉन हमारे पास डिक्रीज होती है टूवर्ड द इक्वेटर, आपको पोल का और इक्वेटर का मैंने समझाया होगा, तो जो हमारे पास एग की शेप होती है बेजवी जो हमारे पास उसके कॉर्नर होते हैं एग्स के उसको आप जो है वो इक्वेटर का नाम देते हैं, और जो हमारे पास उनकी जो बेली पोर्शन होता है एग का जो आपके पास इंक्रीज साइज होता है एरिया उसको आप पोल्स का नाम देते हैं, पोल्स पे जो है वो गर्मी और सर्दी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर के, ठीक है, नॉर्थ में आपके पास सर्दी ज़्यादा होगी और साउथ में आपके पास गर्मी ज़्यादा होगी, लेकिन इक्वेटर आपके पास वो एरिया आता है जहाँ पे आपके पास टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रहता है, इक्वल रहता है, ना तो ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ तक बच्चे क्लियर हो गया, बाकी इसमें आप ये रहने दें, बाकी आपका रह गया यहाँ पे रिप्रोडक्शन का पार्ट। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया गया है कि हम इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज़ करते हुए कैंपस जो का हमारे पास कंपासेस हैं उनको यूज़ करते हुए हमारे पास जो लोकेशन है उसको हम इजीली तौर पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये आपका जो चैप्टर है बर्ड्स वाला ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपका जो मैमल है
वो हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप पूछ लें। स्टूडेंट्स आई थिंक आप आते हैं और अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं, है ना? और ये समझते हैं कि बैठे हैं हम, मैम जो स्टूडेंट्स बैठे हैं मुझे पता है वो कौन से स्टूडेंट्स बैठे हैं और कौन से सुन रहे हैं और कौन से लगा के भाग गए हैं। इस तरह की हरकतें ना किया करें बच्चे, ये आपके लिए एंड पे मुश्किल बनेगी। ठीक है, इस आपका कोई बर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसको आप पूछ लें, या अगर आपको जो आज की क्लासेस है उसमें कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आई बात या कोई वर्ड आपको कंफ्यूज कर रहा है तो वो आप पूछ लें। अदरवाइज़ फिर हम इसका यह है कि इंग्लिश का स्टार्टअप लेते हैं। अच्छा, इसमें रिदा बच्चे मैं जो इंग्लिश की आपकी मार्किंग है वो मैं टीचर से कंफर्म कर लूँ तो फिर मैं आपको बताऊंगी। आई थिंक जो 2 क्रेडिट और वाला कोर्स है उसमें आई थिंक वो 6 मार्क्स का ही होता है, और इसके अलावा 3 वाले में 12 का होता है, 4 वाले में 18 का होता है। वो चाहे आपका साइंस हो या आपका आर्ट्स हो, इंग्लिश हो या आपकी एनिमल डाइवर्सिटी हो, तो उसमें बेसिकली आपका 6 मार्क्स का ही होता है, 2 क्रेडिट और में। बाकी मैं कन्फर्म कर लेती हूँ, ठीक है? चलें, बाकी जितने भी अब स्टूडेंट्स हैं अपनी अटेंडेंस मार्क करें अपने नेम के साथ और अपने एजी के साथ। आते ही अटेंडेंस मार्क ना किया करें, जब मैं आप लोगों को कहती हूँ तो तब अपनी अटेंडेंस मार्क किया करें। तमाम स्टूडेंट्स अपने नेम के साथ और अपने एजी के साथ अपनी अटेंडेंस मार्क करें। बच्चे मैंने नहीं ना करना, आप लोगों की क्रेडिट आवर्स के अकॉर्डिंग आपकी मिड की और फाइनल की डिस्ट्रीब्यूशन होती है मार्क्स की, और आपकी असाइनमेंट की होती है। असाइनमेंट का आपको पता है कि आपका 2 मार्क्स का है, बाकी आई थिंक आपका 40 मार्क्स का बाकी का पेपर है। बाकी मैं पूछ लेती हूँ, जस्ट नेम नहीं लिखे हैं बच्चे, नेम के साथ अपना एजी भी मेंशन करें। बाकी मैं कंफर्मेशन कर लेती हूँ उसके बाद फिर आपको बता देती हूँ। आप लोगों का ओवरऑल जो पेपर है वो 40 मार्क्स का, 40 में से आपके 2 जो हैं वो तो असाइनमेंट के हैं, बाकी 38 रह गए हैं। अपना नेम और अपना एजी साथ में मेंशन करें, ये अलग अलग अपने नेम बच्चे ना मेंशन किया करें। कितनी दफ़ा आपको कहा, अपना नेम और अपने एजी के साथ अपने अटेंडेंस मार्क किया करें। इसके बाद हमारा जो इंग्लिश का टॉपिक है, इंग्लिश है, उसको करते हैं। और आप लोगों ने इंग्लिश की तैयारी की है? इंग्लिश की तैयारी में मैंने आप लोगों को क्लॉजेज दी थी और इसके अलावा आप लोगों को प्रेडिकेट दिया था, वो आप लोगों ने किया है तैयार या नहीं किया अभी? और अच्छा, इसमें एक दूसरी बात यह है कि आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं तो अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। यह है कि जैसे ही आप ऑन होगा तो नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगा, और आपको जैसे ही लिंक शेयर किया जाता है तो क्लास को ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है? अगर आपको कुछ समझने में मुश्किल है या आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे यूट्यूब पे, तो वो आप बता दें। और आपका CR आई थिंक आज नहीं आया, और GR भी आपकी आई थिंक गायब हो गई है। चलें ठीक है, आई थिंक आपकी क्लास में से ये जो अभी इतने स्टूडेंट्स हैं, ये जो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क किया, ये स्टूडेंट्स बाकी सारे अपनी जो है वो पहले लगा के भाग गए हैं, ठीक है? फिर कहते हैं नो मैम हम सुन रहे हैं, नहीं मैम हम बैठे हैं, हम सुबह से बैठे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमने सारा सुना है, तो बीच में से भाग जाते हैं। अब बच्चे ये आपकी क्लासेस सारी हैं ऑनलाइन में, आपका जितना भी सिलेबस है वो कवर हो जाएगा,
तो ये जो आपका नेट का इशू है, एक दिन या दो दिन तो चलें ठीक है, लेकिन आप इसको अपने नेट के इशू को रिजॉल्व करें ना बच्चे। इस तरह तो आपका जितना भी जो सिलेबस होगा फाइनल का, फिर तो वो आपका रह जाएगा। चलें ठीक है, मैं आपको इंग्लिश की क्लास के लिए शेयर करती हूँ, तो उसमें आपने जो मटेरियल है उसमें हम स्टडी करते हैं, और जो फिर आपको मुश्किल होगी वो आप पूछ लीजिएगा। और इंग्लिश की प्रिपरेशन करके आए हैं आप लोगों को, मैंने कोऑर्डिनेट उसका क्लॉजेस का कहा था कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, वो मैं आपसे ड्यूरिंग लेक्चर पूछूंगी, ठीक है? तो उसमें देखती हूँ कि आप लोगों ने कितनी तैयारी की है। चलें ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ, तो उससे ज्वाइन कीजिएगा।